सो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं नया और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आ गया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो आज हम इस वीडियो में रेडमी नोट 10 टी मोबाइल की फुल रिव्यू करेंगे और फीचर्स फैसिलिटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मोबाइल के रैम के बारे में जान लेते हैं। तो रैम आप लोग को इस मोबाइल में 6GB का देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा रैम है, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो वो आपको 128GB का देखने को मिलेगा इस मोबाइल में, जो कि वो भी अच्छा है। यानी कि 6 के साथ में 128GB का, जो कि गेमिंग के लिए भी ये मोबाइल बहुत अच्छा है, नॉर्मल यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। गेमिंग का आप लोग को परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा इस मोबाइल में। ग्राफिक भी बहुत अच्छा है, फुल HD+ डिस्प्ले होगा जो कि बहुत अच्छा है। वो भी साथ ही साथ इसका रिफ्रेश रेट भी बहुत अच्छा है, जो कि बहुत ही फास्ट होगा। साथ ही साथ इसका प्रोसेसर भी बहुत है जो अच्छा है, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। चलिए अब हम बैक कैमरा के बारे में जान लेते हैं। तो बैक कैमरा आप लोग को 3 देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रिपल बैक कैमरा होगा, जो कि 48MP मेन कैमरा, 2MP 2MP का, यानी कि मोबाइल का कैमरा बहुत अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा फ़ोटो क्लिक करने का मन करता है तो आप लोग इस मोबाइल से कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। इसका कैमरा क्वालिटी, जो कि इमेज क्वालिटी बहुत अच्छा है। HDR प्रोसेस होगा और LED फ्लैशलाइट होगा, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आप लोग 4K वीडियो भी शूट कर सकते हो, जो कि ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है। अब हम फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट कैमरा आप लोग को इस मोबाइल में 8MP का देखने को मिल जाएगा, जो कि वो भी बहुत ही अच्छा खासा है, जो कि फ़ोटो बहुत ही अच्छा खासा क्लिक करके देता है, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की बैटरी के बारे में जान लेते हैं। तो बैटरी आप लोग को इस मोबाइल में बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि 5000mAh का बैटरी, जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, नॉन रिमूवेबल है, जो कि बहुत अच्छा बैटरी है। चलिए अब हम जान लेते हैं चार्जर टाइप कौन सा होगा। तो ये आपको टाइप सी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। अब हम इस मोबाइल की फास्ट चार्ज के बारे में जान लेते हैं। तो फास्ट चार्ज भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट इसमें मिलेगा, जो कि 18W से फास्ट चार्ज करेगा, जो कि बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज करता है, जो कि 1 hour 40 minutes में आपको फुल चार्ज कर देगा, जो कि बहुत ही फास्ट होगा, जो कि बहुत फास्ट है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये 4G मोबाइल है कि 5G मोबाइल है। तो ये आपको मोबाइल 5G देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका इंटरनेट स्पीड भी बहुत ही फास्ट होगा। 2 SIM 1 SD का आप इसके अंदर में घुसा सकते हो, डुअल सिम वाला ये फ़ोन है, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की प्रोसेसर के बारे में जान लेते हैं। तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि गेमिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोसेसर है, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की डिस्प्ले साइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो डिस्प्ले साइज़ आप लोग को 6.5 inches का देखने को मिलेगा, साथ ही साथ रिफ्रेश रेट जो कि 90Hz का देखने को मिलेगा, जो कि फुल HD+ डिस्प्ले होगा सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ, जो कि बहुत अच्छा डिस्प्ले है, जो कि बहुत अच्छा है। आप लोग अगर स्क्रॉल करोगे तो बहुत ही फास्ट और क्विक रिस्पॉन्स होगा, जो कि 90Hz का है, तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही स्मूथ होगा, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम स्क्रीन प्रोटेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो स्क्रीन प्रोटेक्शन भी आप लोग को इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5, जो कि आपके मोबाइल को फुल प्रोटेक्ट करेगा, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम जान लेते हैं कि इस मोबाइल का फिंगरप्रिंट कैसा होगा, कहाँ पे होगा। तो इस मोबाइल में आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स करता है, जो कि बहुत फास्ट है, जो बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की स्पीकर के बारे में जान लेते हैं। तो स्पीकर आपको बहुत ही लाउड स्पीकर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा स्पीकर है, जो कि हाई वॉल्यूम में बहुत ही अच्छा खासा साउंड सुनाई देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। एंड्रॉयड वर्जन की बात करते हैं। तो एंड्रॉयड आपको 11 देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा एंड्रॉयड है, ये बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की वेट के बारे में जान लेते हैं। तो वेट आप लोग को 190 ग्राम का देखने को मिलेगा, यानी कि मोबाइल बहुत ही हल्का होगा, ज़्यादा भारी नहीं है, ज़्यादा हल्का भी नहीं है, जो कि ठीक ठाक है। अब हम इस मोबाइल की थिकनेस के बारे में जान लेते हैं। तो थिकनेस आप लोग को 8.92mm का देखने को मिलेगा, यानी कि मोबाइल बहुत ही पतला होगा, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की हाइट के बारे में जान लेते हैं कि इस मोबाइल का हाइट कितना होगा, कितना बड़ा होगा। तो ये आपको 161.81mm का देखने को मिलेगा, यानी कि मोबाइल का हाइट भी ठीक ठाक है, यानी कि मोबाइल पतला भी होगा, लंबा भी होगा,
जो कि बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की विड्थ के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि चौड़ाई तो 75.34 mm का देखने को मिलेगा, यानी कि मोबाइल का चौड़ाई भी ठीक ठाक है जो कि बहुत अच्छा है। आपके हाथ में आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका डिज़ाइन लुक भी बहुत अच्छा है, पतला है, लंबा है, जो बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल के कलर के बारे में जान लेते हैं कि इसमें आपको कितना सारा कलर देखने को मिलेगा। तो इस मोबाइल में आपको चार कलर देखने को मिल जाएगा, जो कि ब्लू, ग्रे, ग्रीन, सिल्वर, जो कि तीनों ही कलर बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की प्राइस के बारे में जान लेते हैं, तो प्राइस आप लोगों को 15,999 का देखने को मिल जाएगा। मुझे जहाँ तक ही लगता है कि ये मोबाइल ठीक है इस रेंज में, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को ख़रीदना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग चाहो तो उधर से ख़रीद सकते हो। अब हम जान लेते हैं कि अगर आप लोग ख़रीदोगे तो बॉक्स के अंदर में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बॉक्स में तो सबसे पहले एक आपको मोबाइल दे दिया जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट कवर, एक चार्जर, एक डाटा केबल, साथ ही साथ एक पिन जिसके वजह से आप अपना सिम को निकाल या तो घुसा सकते हो, और एक वन ईयर का वारंटी कार्ड। तो ये सब आपको बॉक्स में अंदर देखने को मिलेगा, और यही सब है इस मोबाइल का फीचर्स और फुल रिव्यू। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्द से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।